हार्वेस्टर में डीजल आया 109 लीटर 43.10 हज़ार रुपये का। इसमें हो कितना गया वो दिख रहा है, फुल से थोड़ा सा नीचे इस जगह पे अभी टैंक है। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और हार्वेस्टिंग का ये है डे टू। डे वन में हमने 10-10 काटी थी और उसका एक दिन छोड़ने के बाद आज जो है डे टू शुरू हो रहा है और अभी तक फर्स्ट डे की वीडियो भी नहीं आई है क्योंकि समय की कमी बहुत ज़्यादा है भाई साहब। और जैसे ही फ्री होंगे अपन जल्दी से जल्दी करेंगे। तो इस बार जो कंबाइन जा रहा है वो एक ही कंपनी का है, मतलब सेम व्यक्ति के थ्रू जा रहा है। पहले फ्रिज चला था, इस बार अपने पास जा रहा है वो विशाल का। ओके, तो बढ़िया मशीन है, बढ़िया काम कर रही है। उसमें अभी भी पंप से डलवाया है डीज़ल और हम साथ में लेके जा रहे हैं, एक ट्राला लेके जा रहे हैं और एक ट्रॉली लेके जा रहे हैं और साथ ही साथ पाइप वगैरह भी लेके आएंगे। तो वीडियो में बने रहना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, मज़ा आएगा। ओके, नहर है ना, नहर नहर पकड़ के सीधे चले जाओ, ठीक है ना, तो अपने खेत पे पहुंच जाएंगे। वो जो पुलिया सुधारने गए थे ना, उसके पहले एक वो छोटी सी पुलिया पड़ती है, माइनर पड़ती है, वैसी की वैसी एक पुलिया के बाद एक और बीच में पुलिया पड़ती है ना, वहाँ पुलिया पहुंच के फोन लगाना। तो भाई साहब अभी हम लोग आ गए हैं उस रास्ते पे जिसको अपन ने परसों सुधारा था। रूल्स ऑफ लाइफ पे आपने एक वीडियो देखी होगी, इसमें रास्ते को अपन ने सुधारा था और धान देखने गए थे। तो हार्वेस्टर भी आ गया है और पीछे अपना ट्रैक्टर भी आ गया है देखो, और यहीं से लेके जाएंगे अपन और जितना भी होगा आज काट लेंगे। आगे कंबाइन है, पीछे अपना ट्रैक्टर है और साथ साथ ये रास्ते को ठीक भी करते जा रहे हैं। जब इसको सुधारा था ना तब बहुत गीला था, अभी क्या एक दिन का घाम लग गया तो सूख भी गया है, तो आसानी से निकल जाएगी भरी हुई ट्राली, ऐसी उम्मीद करते हैं। बाकी ऊपर वाले के हाथ में जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा गहरा था, 2 घंटा लगे थे इसको मशीन में।
गाड़ी खड़ी कर ली है भाई, मोटी है यार डगार, सट से बाहर आएगी तब देख, छत में अड़ी होगी, बहुत नीची है यार। और टीका दादा जो है खेत पे बैठे हैं बेचारे दोपहर के 12 बजे से, और कंबाइन वाला लेट कर दिया, कोई पुली टूट गई, कोई कुछ हो गया, अब खेत काट रहा था कि झूठ बोल रहा था पता नहीं, जो भी है मशीन आ गई और बहुत लेट आई है, अब कितना कटेगा, जो भी कटेगा इसी में आएगा। अरे धस गया ले गया, कीचड़ है यार बहुत। कीचड़ ऊपर की साइड लाना, ऊपर की साइड से हैं। क्या हुआ, थक गए क्या पैदल चल के? अरे वो थक गए, ये आगे वाली मेड़ है, आगे वाली ये मेड़ के बाद अपने खेत है, हाँ इसके बाद वाला हार्वेस्टर वाले तो टंगे हैं ऊपर, कहले भाई साहब नहीं रखेंगे हम, थोड़ा और बढ़िया सुधर सकता था यार, राजेश ने थोड़ा आलसपन दिखा दिया, तो कटर बार लगाने के लिए जगह नहीं थी तो सामने वाले खेत में लगा रहे हैं, लेकिन ये जगह बहुत गीली है तो प्रयत्न करके देख रहे हैं। काफ़ी डिफिकल्ट काम है, बिल्कुल इतना इतना सा मिलाना पड़ता है, उसमें जो कीला होता है वो सही जगह पता हो तब जाके लगता है। रामू तू बैठे यार, जल्दी लग जाए, उस्ताद आदमी है यार तू। गीला हो गया टायर, स्लिप मार रहा है, तो ये आ गई अपनी धान, यहीं से कटाई शुरू होगी, इस कोने से ही उड़ा देंगे।
जल्दी जाओ दौड़ के बोलो उसको। दाने का नुकसान वगैरह देख लेते हैं कुछ है कि नहीं। दाना तो नहीं दिख रहा है, खैर दाना नहीं दिख रहा है, इक्का दुक्का बाल आ रही है लेकिन तो बस बड़ा वो तो हरा है ना, नहीं सूखी बाल आ रही है देखो। और बड़ा अरे नहीं दाना आ रहा है, दाना थोड़ा सा हरे बड़ा तो आएगा, हरे बड़ा तो बिक्के रहता। अच्छा जो हरा है ना वो तो नाले रह जाता सारा। ये तो सूखी है एक वो आले दाले होएगा थोड़ा बहुत कतरा मतलब आ जाता है। अच्छा चलो इस वाले में देख लेंगे अपन। ये वाली तो खैर रह जाए तो अच्छा है, ये मिक्स वैरायटी है। ये कहाँ से हो सरदार जी आप? पंजाब। पंजाब में कितने? पटियाला। पटियाले तो गाड़ी ही पटियाले की है? पटियाले की गाड़ी है। हाँ यार बहुत दूर से आ गए, मेरा आना था पड़ता है और क्या करिए। अच्छा चलो बढ़िया। पहले कहाँ चलाई थी इस सीजन में गाड़ी? पहले चलिया अपना इंदौर साइड में। इंदौर में उसके बाद यहाँ लाए हो? सोयाबीन काट के आए हो क्या? सोयाबीन काटी थी। अच्छा और पिछले साल? पिछले साल तो पिता जी कहाँ लगाया आदमी हो नया था ना। अपन शाम तक कितना मतलब ज़्यादा देखो शाम को नमी आ जाती है अपन ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे ठीक है। 7 बजे तक ना चलाएंगे? मैं 7 बजे भी नहीं चलाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड और नमी आ जाती है तो पता लग जाएगा। हाँ, तो अपन खुद ही रोक देंगे। हाँ यहीं खड़ी करना और ये बहुत सारी जगह है इसको अपने को निपटाना है ठीक है ना। ये इसमें 2 दिन लगेंगे ठीक है। वो यहाँ वहाँ तक खेत है और एक खेत अपन वही मेन रोड पर छोड़ के आए आखिर में उसको काटेंगे, वो अलग वेराइटी है ठीक है। तो भाई साहब एक टैंक खाली हो रहा है और ट्रैक्टर वहीं साइड में खड़ा हुआ था और उसने तो जाके सीधा खाली कर दिया, 2 फेरे में टैंक भर गया है। कमाल है यार मतलब अच्छा निकल रहा है। इस हिसाब से इसमें अभी 2 टैंक और निकलेगी, ये देखो इतनी धान बची हुई है इस गड़ा में और एक टैंक उसने खाली कर दिया है। 1-2 लाइन लगी हैं बस 2 चक्कर में और अगर ऐसे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा जगह है, 2 टैंक और निकलने चाहिए। अपने कचरा भी है वो हम पहला टैंक लगता है इसने जल्दी खाली कर दिया था क्योंकि इतनी सारी जगह पर तक दूसरा टैंक भरा ही नहीं है और ये गड़ा खत्म होने वाला है। देखो 1 या 2 फेरे का रह गया है बस, 1 ही फेरा और लगेगा इसके बाद और 3 ड्राइवर गए पाइप भरने के लिए तो ट्रैक्टर मैं ही लेके जाऊंगा। मैं ट्रैक्टर चालू कर रहा हूँ, आओ तो गिर जाओ नीचे जल्दी से, कूद जाओ वहीं से ठीक है दादा, कूद गए न्यूट्रल चालू। छोटा पड़ रहा है भैया राला के सामने। आओ आगे 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 आओ आगे आ गया। हाँ सही है सही है सही है, बस 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 कर दो ऊपर चढ़ जाओ ठीक है दादा, फैला रही हो जा दब जा पूरी नेट गनबन से अंदर को जाओ, अरे नीचे कूद जाओ, अरे भीतर कूद जाओ भीतर दब जाएगी बस सही से, नहीं तो अरे फट जाएगी, अरे भीतर चले जाओ यार, अरे भीतर चले जाओ ना, अरे लेकर आओगे चले तो जाओ
ये आगे इतना सारा है। हाँ दादा भीतर को जाओ जाओ, जहाँ पे चढ़ गई यार बजे मैं कह रहा हूँ तुमसे, माने नहीं हो फट जाएगी या जान पे जो तारों से बंधी है। अरे जा ढेर पैसे चढ़ के निकल आओगे आराम से, जाते हैं सरकार और कितने करना है देखो। अरे फट जाएगी यार जो तारों से बंधी है, तो देखो ना कितने पतले तारेंगे। अरे तो काय नहीं खिंचेगी, नहीं फटेगी, तुमने कह रहा सही बात। अरे पकड़ खींचो, हाँ ऐसे जे और खींचो दो ही साइड से। अरे ताकत तो लगाओ यार, हाँ जी दब जाएंगे ना पहले से तो जो चौड़ी नहीं होगी, यही व्यवस्था इतना हो जाती ना तो कितना बढ़िया रहता। तुम एक डोजर गाय धका दो बस। अरे इतने मत धकाओ, इतने से उठवाएंगे अपन, इनसे आदमी आ रहे हैं। दूसरे वाले गड़ा में चालू हो गई है और दो टैंक खाली हुए इस गड़ा में से, मेरे लग रहा था तीन हो जाएंगे। पहला वाला टैंक भाई साहब ने आधा ही खाली कर दिया था लगता है, तो उस हिसाब से तो दो भी नहीं हुए। ये लोग फुल भरते नहीं हैं क्योंकि धान जो है चिपक जाती है, धस जाती है, फिर खाली करने में प्रॉब्लम आ जाती है। और इन लोगों का नल्स भी हो गया है। सनसेट हो रहा है देख लो भैया, सनसेट एक राउंड लग गया है, जहाँ में भी डेढ़ दो टैंक निकलेगी बस, जो तो बहुत छोटा है, इससे तो बहुत छोटा है, तो डेढ़ टैंक ही निकलेगी। और ये वाला बहुत बड़ा है, ये भी थोड़ा छोटा है, बाकी मेन जो खेत है वो उस तरफ है अपना।